बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिम तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही व सल्लम। जी अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। ट्रांसलेशन के साथ फिर बेटा पढ़ाई का काम, और ट्रांसलेशन इंतहाई अहम सिखाती है आपको इंग्लिश, और वैसे भी इसका क्वेश्चन भी लाजमी है बीए में भी और इंटरमीडिएट में भी। चलिए जी इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ, आसान पैराग्राफ है। हमारे कॉलेज ने तालीम और खेलों में हमेशा शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। तुलबा नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं। पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में हज़ारों किताबें दस्तयाब हैं। रीडिंग रूम में हर रोज़ नए अखबारात और रसाले मिल सकते हैं। यही वजह है कि हमारे तालिबिलम अपने फारिग औकात में इधर उधर की बजाय मुतालिया में मसरूफ़ पाए जाते हैं। खिलाड़ी हर सपहर को खेल के खूबसूरत मैदानों में तालीम हासिल करते हैं। जी ये एक जो है ना आसान पैराग्राफ कह लें इसे, ठीक है, और इंटरमीडिएट में ये पेपर्स में आ चुका है ये पैराग्राफ। चलते हैं जी, कैसे इसकी ट्रांसलेशन करनी है। पहला सेंटेंस, हमारे कॉलेज ने तालीम और खेलों में हमेशा, अब जी आर कॉलेज हो गया हमारा कॉलेज, और जो तालीम होती है ये होती है एजुकेशन, ठीक है ना, और खेलें होती हैं स्पोर्ट्स, हमेशा ऑलवेज़। कारकर्दगी परफॉर्मेंस शानदार एक्सीलेंट स्प्लेंडेड भी कह सकते हैं, सुपर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। और मुजाहरा करना का मतलब दिखाना, शो करना, शो। तो देखें जी ये तो थी हमारे पास वोकैबलरी, अब देखते हैं कैसे जी। आर कॉलेज हैज़ शोन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ठीक है ना। आर कॉलेज हैज़ शोन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन, किस में जी, इन एजुकेशन। देखें आवर कॉलेज हैज़ ऑलवेज शोन, हमेशा हमने मिस कर दिया पीछे है, आर कॉलेज हैज़ ऑलवेज शोन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। देखें जी क्या है, आर कॉलेज हैज़ ऑलवेज शोन एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये इस तरह से होगा। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं जी। तलबा नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं। तलबा स्टूडेंट्स हो गए जी। नज़्म व ज़ब्त क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम नज़्म व ज़ब्त कहते हैं। डिसिप्लिन भी वैसे आप कह लें, अगर कुछ और जहन में नहीं आपके आ रहा। पाबंदी करना होता है अबाइड बाय। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो वर्ब के साथ ऐसे ही ऐसे नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स अबाइड बाई, पाबंदी करना। अबाइड बाई किस चीज़ की अबाइड बाई करते हैं? नज़्म व ज़ब्त, रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्टूडेंट्स अबाइड बाई रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या जी? स्टूडेंट्स अबाइड बाई रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगली सेंटेंस की तरफ चलते हैं। पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में हज़ारों किताबें दस्तयाब हैं। अब जी पढ़ने के लिए फॉर रीडिंग हो गया, लाइब्रेरी लाइब्रेरी रही, हज़ारों किताबें थाउजेंड्स ऑफ बुक्स दस्तयाब के लिए अवेलेबल। जी अब ऐसे कैसे करेंगे जी? थाउजेंड्स, अब ये सब्जेक्ट है, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स क्या हैं जी? थाउजेंड्स ऑफ बुक आर अवेलेबल, क्या करने के लिए? फॉर रीडिंग, कहाँ पर? लाइब्रेरी में। थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन लाइब्रेरी फॉर रीडिंग। देखें, हाँ जी, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन लाइब्रेरी फॉर रीडिंग। अब फॉर रीडिंग को मैंने पहले कर दिया तब भी ठीक है, इन लाइब्रेरी को कर लें ठीक है ना, पहले तब भी ठीक है। आगे चलते हैं जी, फर्दर क्या है हमारे पास? रीडिंग रूम में हर रोज़ नए अखबारात और रिसाले मिल सकते हैं, ठीक है। रीडिंग रूम तो रीडिंग रूम रहा, हर रोज़ डेली हो गया, नए अखबारात
ठीक है ना, नए अखबार होंगे, फ्रेश न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, देखें ना ये मैगजीन्स हैं, मिल सकते हैं कि अवेलेबल हैं, ठीक है। या अगर सकना को यूज़ करना है तो कैन बी आप कह सकते हैं, मिलने के लिए होता है फाइंड, कैन बी फाउंड आ जाएगा, फिर इस तरह से भी हो सकता है, देखते हैं जी कैसे है। यहाँ पे आपने लिखना है फ्रेश, फ्रेश का वर्ड मिसिंग है, फ्रेश न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर अवेलेबल, आर अवेलेबल की जगह आप कैन बी फाउंड भी यूज़ कर सकते हैं, इन लाइब्रेरी फॉर रीडिंग, ये हो गया जी। आगे चलते हैं फर्दर, यही वजह है, यही दिस वजह रीज़न, ठीक है ना, दिस इज़ रीज़न के दैट, आगे जी, हमारे तालिबे इल्म अपने फारिग औकात में इधर उधर घूमने, देर आर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, आर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, आर फाउंड, वो मसरूफ पाए जाते हैं, आर फाउंड पाए जाते हैं मसरूफ, आर फाउंड बिजी, किस में मसरूफ पाए जाते हैं, इन रीडिंग, इधर उधर घूमने की बजाय इंस्टेड ऑफ वॉन्डरिंग, इंस्टेड ऑफ वॉन्डरिंग अपने फारिग औकात में इन देयर फ्री टाइम, ठीक है ना। अब कैसे होगा जी, दिस इज द रीजन दैट आर स्टूडेंट्स आर फाउंड बिजी इन रीडिंग इंस्टेड ऑफ रोमिंग, रोमिंग होता है घूमना फिरना इधर उधर, इन देयर फ्री टाइम, रोमिंग की जगह आप वॉन्डरिंग का वर्ड भी यूज कर सकते हैं जी। आगे चलते हैं, खिलाड़ी हर सपहर को खेल के खूबसूरत मैदानों में तरबियत हासिल करते हैं, खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन हर सपहर, ठीक है जी, एवरी आफ्टरनून हो गया, खेल के खूबसूरत मैदान ब्यूटीफुल प्ले ग्राउंड्स हो गया जी, खेल के खूबसूरत मैदान, और क्या करते हैं, हासिल करते हैं, गेट क्या हासिल करते हैं, ट्रेनिंग, ठीक है ना, क्या होगा जी, स्पोर्ट्समैन गेट ट्रेनिंग इन ब्यूटीफुल प्ले ग्राउंड्स, ठीक है ना, एट एवरी आफ्टरनून, ठीक है ना, हर सपहर को, एट एवरी आफ्टरनून क्या है जी, स्पोर्ट्समैन गेट ट्रेनिंग इन ब्यूटीफुल प्ले ग्राउंड्स एट एवरी आफ्टरनून जी। स्टूडेंट्स ये तो आपकी जो है महारत के लिए, ट्रेनिंग के लिए ये पैराग्राफ था, और पैराग्राफ इंशाल्लाह चलते रहेंगे, आप हमारे साथ ज्वाइन रहिएगा रहिएगा, और ताकि आपके स्किल्स जो हैं पॉलिश होते जाएं, और अब नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे अल्लाह हाफ़िज़ कहिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, आई विश एवरीबॉडी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।